कभी भी आप लोगों की बात नहीं टाली। आज जब हम अपनी पसंद से शादी करना चाहते तो आप लोगों को ऐतराज क्यों? और वैसे भी आप लोग तो हमारे शादी करने से रहे। हमको आईना दिखाने से पहले ना इधर देख, देख अपने आप को, शकल देख अपनी। पता किसके हाथ मर दे इस कंचन सिकाया को, ना शकल ना सूरतिया, बना दो हमको दुल्हनिया। और वो जो लट्टू हुआ फिर रहा है ना तेरे पीछे, अंगूर की बेल की तरह चिपका पड़ा है। अरे वो कोनो कोई बहरूपिया है। चाहे कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे कभी बदसूरत नहीं होते, ऐसा कहता है अनमो। और वो ये भी कहता है कि मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, मैं जैसे भी दिखती हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और आप लोग चुप कर लड़की, आंख की शर्म बेच खाई है। अरे मुहांसे निकलने की उम्र में अगर तूने ये भ्रम पाला होता ना, तो हम तेरे इस भ्रम पे विश्वास कर लेते। 30 साल की ठूठ हो गई है और कम सीनों की तरह बात कर रही है। तू बोल रही थी ना कि उसके माता पिता तुझे बहू बनाने के खिलाफ है, शादी के बाद तुझे छोड़ के भाग गया तो? अरे तो क्या, पेट फुलाए अपनी किस्मत को रोती फिरेगी और मुंह दलेगी हमारी छाती। ऐसा नहीं है अनमोल, आप लोग जैसा सोच रहे हो। अरे लड़की पागल हो गई है तू, अरे अपनी खोपड़िया का कछु इस्तेमाल कर ले, नौकरी पैसे वाली लड़की है। अरे उसकी नजर तेरी तनख्वाह पे है। वो हमसे ज्यादा कमाते हैं माँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर चाहूँ तो शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दूँ। अरे बिटिया रानी, तेरी जॉब को छोड़ेगी तू? अरे तूने छोड़ दी जॉब तो हमार का भाई और ये घर कैसे चलेगा, सोच ना जरा। तो आप लोगों को हमारी शादी की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर हम विदा हो गए तो आप लोग हमारी तनख्वाह से हाथ धो बैठोगे। हम आपके लिए बेटी नहीं है, सिर्फ एक बंधुआ है। जो हंसे या रोए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके लिए कमाते रहे, है ना? अरे क्या हुआ हमारी बहना को, आप लोग कुछ कह क्या? नहीं नहीं बिटवा, हम ऐसे ही किसी आते रहोगे ना तो एक दिन हमेशा के लिए अलविदा बोल के चली जाएंगी, फिर बैठे रहना यहाँ और उनकी कमाई खाएंगे उनको ससुराल वाले। बहन बेटियां कांच होती हैं, कांच जरा नजाकत से संभाला जाता है, बड़े बूढ़े जो सिखा के गए एकदम भूल गए ना। वो बड़ बोले तेरी जबान खोपड़ी में कोई अंकुर फूट रहा है तो मुंह से फूटो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माता पिता और संतान का रिश्ता किसी लेन देन के तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि ना तो संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज चुका सकती है और ना ही माता पिता अपना दायित्व किसी एहसान की तरह से निभाते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो नुकसान इसी रिश्ते को भुगतना पड़ता है। बहन बेटी की शादी की चिंता हर माता पिता और भाई को होती है, लेकिन माधुरी के माता पिता और भाई इस चिंता से ग्रसित थे कि अगर माधुरी की शादी हो गई तो उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सभी माधुरी की कमाई पर निर्भर थे। कम सुंदर होने को अपनी शादी ना होने की वजह समझने वाली माधुरी ने अब अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ लिया था, और उसी के साथ शादी करने का उसका अड़ियल रवैया माधुरी के परिवार के गले की हड्डी बन चुका था। और लालची इंसान अपनी मजबूरी में भी फायदा उठाने की सोचता है, और यही वजह थी कि करीबी रिश्ते साजिशों का खेल खेलने की फिराक में थे। आज से आप कानूनन पति पत्नी हैं। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हैं? हाँ, अरे पहले सिंदूर तो डालो हमारी बिटिया की मांग में। नहीं। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, बस बस खुश रहो। अरे जी जी, फोटो तो रह गई। ले ले। सब सामान ले लिया ना? हाँ, और छूट भी गया है तो कभी भी जाके ले आएंगे। हम अपनों से सिर्फ विदा हुए हैं, उनसे पराये नहीं। अरे अब तो ये पराया धन हमारा हो चुका है, कुछ दिनों के लिए अब तुम्हें इतनी सी दूर भी नहीं जाने देंगे। वैसे आपकी माता पिता, उनसे पहले मिल लेते तो? अभी नहीं।
कुछ राज समय के साथ ही सामने आते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? महेश बेटा तू दोबारा फोन। हाँ, हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं, अरे क्या हुआ? इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन लग नहीं रहा। अनमोल को लगा ना? हाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। नहीं लग रहा। शादी कब हुई थी दोनों? सब 5 दिन हो गया। हमारी माधुरी अनमोल जी से बहुत प्रेम करती है। अरे उसकी वजह से तो हमने जात पात की भी परवाह नहीं की, लेकिन जब से शादी हुई है जाने वो लड़का हमारी बिटिया को लेके कहाँ गायब हो गया। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? शादी वाले दिन कोर्ट में। हाँ साहब, हमारी बिटिया हमको बोली थी कि अम्मा हम पहुँचते ही आपको फोन करेंगे, फोन ही नहीं आया। तो साहब हम तो यही समझे कि नई नई शादी हुई है तो माँ बाप कहाँ से याद आएंगे। फिर 2 दिन बाद हमने खुद ही फोन लगाया था, पर 3 दिन से ना माधुरी फोन लग रहा है और ना अनमोल का। घर गए तो ताला। अनमोल के माता पिता या कोई परिवार वाला? अनमोल के माता पिता इस शादी से ना खुश नहीं थे, तो कोर्ट में तो आए नहीं। अब हम तो देखे ही नहीं है उनके माता पिता को। अलाहाबाद के कट्टर ब्राह्मण है वो, बस इतना ही जानते हैं उनके परिवार के बारे में। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसका नाम अनमोल था, उसकी यहाँ पे किसी के साथ बोलचाल भी नहीं थी। बीवी कहाँ थी उसकी? वो तो अकेले रहता था। इस मकान का मालिक दिल्ली में रहता है, राजेश भाई ने ये मकान किराए पे दिया हुआ है और राजेश भाई एक ब्रोकर है। हाँ साहब, मैंने ही दिलाया था साहब 2 महीने पहले घर अनमोल को किराए पे। साहब वो बोला उसके गांव का आईडी खो गया है साहब, थोड़े दिन में आके दे जाएगा। 6 महीनों से वो वहाँ किराए पे रह रहा था, वो भी बिना पुलिस अनुसी। गलती हो गया साहब, माफ कर दो साहब। अभी विवेक तू मैरिज रजिस्ट्रार से पता करो वहाँ उसने क्या एड्रेस दिया। यस सर। ये तो वही एड्रेस है जहाँ वो किराए पे रहता था। अपने नेटिव प्लेस यानी इलाहाबाद का कोई एड्रेस प्रूफ दिया था उसने? जी नहीं सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ नहीं मिला। उसने अपना इलाहाबाद वाला एड्रेस वहाँ पे नहीं दिया था। माधुरी और अनमोल के कॉल रिकॉर्ड्स, दोनों के फोन शादी वाले दिन के 3 बजे से स्विच ऑफ है। और सर सबसे हैरानी वाली बात ये, अनमोल अपने फोन से सिर्फ माधुरी को ही कॉल करता था। अनमोल के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन माधुरी इसी शहर की है, उसके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सबसे बात करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये शादी माधुरी की जिंदगी में क्या बदलाव लाई इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। और अंदाजे हकीकत की परछाई भी हो सकते हैं और झूठ की तस्वीर भी। असलियत तो सिर्फ माधुरी ही जानती थी, लेकिन उसको बयां करने के लिए वो थी नहीं, और ना ही अनमोल, जिसके साथ माधुरी अपनी शादीशुदा जिंदगी का ये रहस्यपूर्ण सफर तय कर रही थी। लेकिन माधुरी की शादी से पहले की जिंदगी भी कम रहस्यपूर्ण नहीं थी, जिसका खुलासा करना पुलिस की तहकीकात का पहला पड़ाव था। सर माधुरी अनमोल से प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। हम क्या है अनमोल जी के आगे, फिर भी वो हमें बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए हमारा लुक कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लेकिन हमारे घर वाले मेरी शादी अनमोल के साथ ना होने के बहाने ढूंढते रहते हैं। आई नो तू बहुत हर्ट हुई है उनसे, लेकिन अनमोल और तू दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स को हमारे इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इस बात की प्रॉब्लम है कि अगर हमने अनमोल के साथ शादी कर ली तो उनका कर्जा कैसे चलेगा। उनको हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है हमारे सैलरी से। ये माधुरी और अनमोल मिले कैसे? सर फ्रेंड्स बुक पर। माधुरी आज लंच नहीं करना क्या? ओहो मैं तो भूल ही गई, आजकल तो तेरी भूख प्यास उड़ी गई है। धत तू जा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अच्छा
सर मुझे ये तो नहीं पता कि अनमोल कैसा था, लेकिन हाँ माधुरी सच में उसको बहुत प्यार करती थी। सर इन दोनों ने अपना अकाउंट 18 दिसंबर 2013 को दिन में 3 बजे के बाद डीएक्टिवेट कर दिया था। ठीक उसी दिन दोनों ने शादी की थी और उसी दिन से दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माधुरी की फ्रेंड के मुताबिक माधुरी के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि माधुरी उनका बैंक बैलेंस थी। अगर इसके पीछे वो लोग हैं तो फिर ये अनमोल किस खेत की मूली है? और अगर वो माधुरी को शादी के बाद अपने किराए वाले घर पर नहीं ले गया तो माधुरी के समेत गायब कहाँ हुआ? खुद गायब हुआ या किसी के इशारे पर हुआ? हमें माधुरी के मोहल्ले में फिर से जाना होगा। सर माधुरी का बाप 10 साल पहले ही बेरोजगार हो गया, उसके बेटे ने कभी काम करने की नहीं सोची। बेचारी माधुरी 18 साल की उम्र से ही काम करने लगी इन निखट्टुओं को खाना खिलाने के लिए, और इनको कभी इस बेचारी पर तरस नहीं आया। ये मुफ्त में मेरा राशन खाते रहे और पैसे बेचारी माधुरी चुकाती रही। भैया ये फेयरनेस क्रीम, परफ्यूम, हेयर जेल, घी, बादाम, ये सब हमने कब लिया? फेयरनेस क्रीम, फेस वॉश और जेल तुम्हारा भाई, और घी बादाम तुम्हारे पापा ले गए। भैया फिलहाल आप इतना ही रख लीजिए, बाकी का मैं अगले महीने चुका दूंगी। माधुरी देखने में सुंदर नहीं थी साहब, पर दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी शादी से 6-7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर करने वालों की नीयत कहाँ थी उसका घर बसाने की? मंजुला बहन, माधुरी की उम्र हो गई है शादी की, उसकी शादी नहीं करोगे? अरे बहन जी, हमारा बस चले तो आज के आज लड़की के हाथ पीले कर दे, अरे लेकिन कोई पसंद तो करे उसको। अब सच तो ये है कि हम कोई धन्नो सेठ तो है नहीं कि मोटा सा दहेज दे के अपना एक छोटा सिक्का चला ले। हैं, एक अच्छा लड़का है, ठीक ठाक कमा भी लेता है, उनकी कोई मांग भी नहीं है, तुम कहो तो बात चला। नहीं नहीं, हमारा मतलब कहने का ये है कि दरअसल ना माधुरी शादी करना ही नहीं चाहती है। अरे जब उससे ब्याह की बात करो नट जाती है, बता। फिर एक दिन हम माधुरी से मिले। माधुरी, अरे कैसी है आप? अच्छी हूँ। एक बात बता, तू अपनी माँ के लिए रिश्ते क्यों टुकड़ा देती है? देख बेटा, सपनों से घर नहीं बनता, समय रहते शादी कर ले, वरना कोई लड़का हाथ नहीं मिलेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी क्यों बोल रही हो? तेरी माँ तो हमेशा यही कहती है जब भी मैं उसके पास रिश्ता लेकर जाती हूँ। फिर पता नहीं माधुरी के घर में क्या बवाल मचा कि उसका भाई महेश मुझे धमकी देने आ गया। दीदी के मन में हमारे खिलाफ जहर भरना बंद कर दो, वरना तुम्हारे घर में नेवला छोड़ देंगे। सामान उठा के ना भागना पड़ जाएगा, याद रखना। बेटी की कमाई के लालच में अगर उसके अपने उसका घर न बसने थे साहब, ऐसे लीचर लोग है वो। साहब महेश बड़ा किस्मत वाला है साहब, जो उसको माधुरी जैसी बहन मिली। उसका बहुत ख्याल रखती है वो, उसके बर्थडे पे उसको बाइक गिफ्ट किया था। माधुरी की शादी से पहले उसके घर वालों की हरकतों में ऐसा कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने जो अजीब लगा हो? हाँ साहब, माधुरी दीदी की शादी से पहले महेश के ठाट बदल गए थे। मतलब वो कैसे? उन दिनों महेश खूब पैसे उड़ा रहा था साहब, अब बहन की शादी के टाइम कोई फिजूल खर्चा करता है क्या? उल्टा उसने तो हमारा 6 महीने पुराना उधार भी चुका दिया था, 10,000 रुपये। हम मानते हैं साहब, हम बदनसीब अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे, पर उसे पालने पोसने में हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है। अब अगर वो अपना फर्ज निभा रही है तो इसमें गलत क्या है? फर्ज जब मजबूरी बन जाए तो निभाना भारी पड़ता है। माधुरी की शादी कराने का फर्ज भी तुम लोगों पर भारी पड़ने वाला था क्योंकि माधुरी के अलावा घर में कोई कमाता नहीं था। कुछ कमाता नहीं तो फिर भी अपने दोस्त के 10,000 रुपये चुका दिए। साहब वो पैसे हमें हमारी बहन ने दिए थे, वो हमें परेशान नहीं देख सकती ना, इसलिए। परेशान तो खुद माधुरी थी तुम लोगों से। अनमोल से शादी करा के तुमने उससे पीछा छोड़ा नहीं सोची, लेकिन उसकी खुशी तुम्हें कहाँ रह जाती? इसीलिए तुम सब ने मिलकर उसे मरवा दिया है ना? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? हम दोनों माधुरी के माई बाप हैं, हम अपनी बिटिया को क्यों मरवाएंगे? सच कुछ तेरी जबान पे आ गया। हमने पूछा कि बेटी दामाद को अगवा किया और तुमने उसके मरने की बात कह दी। नहीं 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 साहब, आप गलत समझ रहे हैं, घबराहट में इसके मुंह से निकल गए। मुंह से वही निकलता है जो दिल में होता है। बोलो माधुरी कहाँ?
हमारा दिल जानता है हम अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। अब हम पर लांछन लगा रहे साहब। लांछन नहीं, शक। गेहूं के साथ घुन भी तो पिस्ता है। माधुरी के साथ अनमोल भी तुम्हारा शिकार बन गया है ना। माधुरी के गायब होने में अनमोल का ही हाथ है। आप उसे पकड़ नहीं पा रहे और हमें परेशान कर रहे हैं। ज्यादा नाटक मत कर समझा, नहीं तो हलक में उंगली डाल के सच निकलवा दूंगा। देखिए आप चाहें तो हमें मार ले, पर ऐसा घिनौना आरोप हम पे ना लगाएं। साहब हम मानते हैं कि हमने अपनी बिटिया को कभी कोई सुख नहीं दिया, पर उनके गायब होने में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। साहब साहब हम सच में नहीं जानते अनमोल हमारी बहन को कहां लेके गया। हम कसम खा के कह रहे हैं साहब। सच क्या है जल्दी ही सामने आ जाएगा। उसके बाद ये मगरमच्छ के आंसू नहीं, खून के आंसू रहोगे तुम लोग। ये तो साफ है कि माधुरी के घर वाले नहीं चाहते थे कि माधुरी किसी से भी शादी करें, लेकिन उसको मारने से उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उससे फायदा वो सिर्फ उसके जीते जी उठा सकते थे। सर उन्होंने जरूर माधुरी और अनमोल को किडनैप करके रखा होगा और डाइवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहे होंगे। इनकी चमड़ी उधेड़ेंगे तब सच उगलेंगे। फिलहाल इन मोटी चमड़ी वालों पर नजर रखो, हो सकता है ये माधुरी और अनमोल से मिले। सर माधुरी का गायब होना उसके लालची परिवार के किस लालच की पूर्ति कर रहा था? माधुरी और अनमोल की शादी के खिलाफ होने के बावजूद भी उसके परिवार ने ऐसा क्या फायदा देखा कि उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी? माधुरी के गायब होने में उसके पति अनमोल की क्या भूमिका थी? पुलिस की जांच घूम फिर कर इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन माधुरी के गायब होने का रहस्य ऐसे कई और सवाल खड़े करने वाला था जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर ये रहा माधुरी के बीमा का कागज और ये उसके प्रत्याशी यानी हमारा प्रमाण पत्र। बताइए हमको बीमा का पैसा कब तक मिलेगा? अरे भैया आपके प्रमाण पत्र से पहले माधुरी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, बोले तो थे आपको। सिर्फ आपके ये कहने से कि माधुरी मर गई ये प्रमाणित नहीं होता भाई। सर माधुरी का बाप उसका बीमा क्लेम करने आया, कह रहा है कि माधुरी मर गई है। पहले ही कहे थे कि मत शादी कराओ दोनों की, सब तो सुने नहीं हमारी, अपने साथ साथ हमारे पैर पे भी कुल्हाड़ी मार ली। अब एक दूसरे की खाल खींचने से कुछ ना होगा। माधुरी के मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या किया जाए ये सोचो, बिना उसके बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। अपने लाडले की जवान खोपड़िया का इस्तेमाल करो, तुहार तो सठिया गई है, है? अभी तक उसी की सुनते आए ना, क्या नतीजा हुआ बताइए। हमारा तो जी कर रहा है कि उसकी खोपड़ी खोल दे। बोल रहा था कि माधुरी अनमोल की शादी करा दो, हम सब संभाल लेंगे। का संभाल लिया खाक जे अक्कल आई है। ये देख एक तोले की, अब बताओ हमें कितने में तोलोगे? ये चेन तो तेरी दीदी की है ना। तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिनती हो? और वैसे भी जब दीदी नहीं है तो उनकी सारी चीज तुम्हारी होगी ना। सर हमें तो लग रहा है कि जब ये लोग अनमोल और माधुरी को शादी करने से रोक नहीं पाए तो उसे मार के उसके बीमा का पैसा खाने की सोची और शादी होने दी ताकि सारा इल्जाम अनमोल पे आ जाए। तुम कहना चाह रहे हो कि माधुरी का मर्डर हो चुका है और अनमोल अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। अगर ऐसा होता तो हमें माधुरी की लाश जरूर मिलती, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। माधुरी की शादी माधुरी के माता पिता की मर्जी से नहीं बल्कि महेश की रजामंदी से हुई। अब सवाल यह है कि महेश क्यों चाहता था कि अनमोल और माधुरी की शादी हो? इस महेश का बैकग्राउंड खंगालो, पता करो कि जीजा साला बनने से पहले महेश और अनमोल का रिश्ता क्या था। सर हाँ सब, मैंने इसे महेश के साथ देखा था, दोनों में 36 का आंकड़ा था। यार आज बियर यार नहीं, आज रम पी जाएगी समझ में है। बियर उठ साले, मेरी बहन का पीछा करता है साले। हैं अरे क्या लगा रखा है, पकड़ो इनको, अरे संभालो, अरे छुड़ाओ इन लोगों को। साले मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, काट डालूंगा। छोड़ साला, तो तू मेरा बनेगा देख लेना। फिर एकाएक दोनों दोस्त बन गए। दोस्त? हाँ साहब, पता नहीं क्या समझौता हुआ दोनों के बीच में। साले तुझे मरने का शौक है क्या, जो फिर से आ गया? हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए,
सुलह करने आए। ये तो नहीं पता साहब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, बस ये देखा था कि इस लड़के ने महेश को कुछ पैसे दिए थे। पहले मारपीट, फिर यारी दोस्ती, उसके बाद रिश्तेदारी। क्या चक्कर चल रहा था तेरा अनमोल के साथ? चक्कर? कैसा चक्कर साहब? आप सही समझे साहब, मेरा और अनमोल का रिश्ता झगड़े से शुरू हुआ था। वो हमारी बहन माधुरी का पीछा करता था साहब। देख रहे हो भैया, दीदी का दीवाना। साले मेरी बहन का पीछा करता है साले। कॉलर क्या कर लेगा साला? तो तू मेरा बनेगा, देख लेना। उसकी धमकी धीरे धीरे सच होने लगी थी साहब। माधुरी बोलने लगी थी कि शादी करेगी तो अनमोल से ही करेगी। 30 साल की उम्र तक किसी लड़के ने घास नहीं डाली तो प्यार में अंधी हो गए थे हम। और अनमोल ने तुझे गूंगा बना दिया पैसा देकर। हम तुम्हारी बहन माधुरी से सच्चा प्यार करते हैं और वो भी हमसे। अब तक तो तुम जान ही गए होगे। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे परिवार में माधुरी की कितनी अहमियत है, पर तुम हमारी शादी उससे होने दो। अब तक माधुरी जो भी तुम्हारे परिवार के लिए करती आई है, हम उसमें उसका पूरा साथ देंगे। अब एक मिनट, ये रखो। अब जाके अपने माता पिता से हमें अपना जीजा बनाने की सिफारिश करो। थोड़े से पैसों के लिए तूने अपनी बहन को भाड़ में झोंक दिया। तूने उसकी शादी नहीं, सौदा किया, बेच दिया उसको। ऐसा मत बोलो साहब, भाई हम उसके। अनमोल हमें पैसा देता था लेकिन हमको लगा वो अच्छा आदमी है, हमारी बहन का ख्याल रखेगा। पैसे देने वाला तो अच्छा ही लगेगा ना तुम जैसे लालचियों को। हम लालची जरूर हो सकते हैं लेकिन इतने गिरे हुए नहीं कि अपने खुद के जने बिटिया को मरवा डाले। मार नहीं सकते थे तो उसके बीमे के पैसे वसूलने की क्या जल्दी थी? हमारे पास एक ढेला नहीं है और माधुरी का भी कोई पता नहीं, ऐसे में हम क्या करते? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मतलब आप लोग नहीं जानते थे कि अनमोल ने आपकी हामी भरवाने के लिए महेश का इस्तेमाल किया, उसे खूब पैसे दिए। नहीं साहब, हम नहीं जानते थे कि हमारा पाला हुआ ही हमको दस रहा है। जहर तुम सब में भरा है, तुम सब माधुरी के दुश्मन हो। पता नहीं अब वो जिंदा भी होगी कि नहीं। दोनों में नॉर्मल चैटिंग होती थी, लविंग कपल्स टाइप। इन दोनों के अकाउंट में कितने फॉलोअर्स थे? और कोई ऐसा है जो सस्पिशियस लगे? एक सुधा नाम की लेडी है जो अनमोल को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी लेकिन वो डिनाई करता था। ये देखिए सर, उसका एक मैसेज, ये सेकंड वाला। हाय मनीष, हमसे बात क्यों नहीं करते? आजकल कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। ये सुधा अनमोल को मनीष क्यों कह रही है? हमें सुधा तक पहुंचना होगा। जी, हमारा नाम ही सुधा है। इसे जानती हो? नहीं। इसे तो जानती होगी। हाँ, ये मनीष जी हैं, हमारे पति। ये तुम्हारा पति है? हाँ, पिछले 6 महीने से हम इनकी तलाश कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं जी? और उस दिन के बाद वो आज तक लौट के नहीं आए। क्या वो तुम्हें हमेशा पीटा करता था? नहीं सर, पर उन्हें गुस्सा बहुत आता था। कुछ बात तो थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कौन सी बात? उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं लेकिन अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाया करते थे। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हुआ? हम कई महीनों से इनकी तलाश में थे, फिर एक दिन अचानक हमने उनकी फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखी। हमने उनको कई सारे मैसेज भी किए पर उनका कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई दिमागी बीमारी थी? नहीं, पर अचानक से उनका मूड चेंज हो जाता था,
और इतना गुस्सा आता था कि अपना आपा खो बैठते थे। मैं आता हूँ थोड़ी देर। अंधा है क्या? तेरे बाप की सड़क है। हर गुस्से में इतने पागल हो जाते थे कि किसी की भी जान ले सकते थे। मनीष के माता पिता? पिता का देहांत तो उनके बचपन में ही हो गया था और उनकी माताजी से उन्होंने हमें कभी मिलवाया नहीं, बस इतना बताया कि वो विकासपुर में कहीं रहती है। मनीष उसी वक्त सुधा को छोड़कर गया था जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनमोल का अकाउंट क्रिएट हुआ था। इस औरत की कहानी क्रॉस वेरीफाई करो। इस मनीष और अनमोल की दोहरी शख्सियत की पहचान हमें माधुरी तक ले जा सकती है। एक ही शक्ल के दो आदमी या फिर दो नाम रखने वाला कोई बहरूपिया, अनमोल उर्फ मनीष की इस दोहरी पहचान के पीछे क्या राज था? और अगर इस दोहरी पहचान के पीछे वजह माधुरी थी तो फिर अनमोल का मकसद क्या था? क्योंकि माधुरी से शादी करने के बाद अनमोल उसे हासिल तो कर ही चुका था, फिर दोनों को इस तरह से गायब होने की क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद था? ये जानना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस ने मनीष से जुड़ी हर बात की तह तक जाना शुरू कर दिया। सर, विकासपुर नाम का गाँव कटनी के आसपास किसी भी तहसील में नहीं है। इसका मतलब मनीष ने सुधा से भी झूठ बोला। सर, मनीष यादव के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सर, ये मनीष यादव तरिया गांव के किसी सहकारी बैंक से हीरा देवी नाम की औरत को पैसे ट्रांसफर किया करता है। और सर, 6 महीने पहले किसी सतीश यादव ने बहरीन के अकाउंट से मनीष यादव के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। मनीष यादव, सतीश यादव और ये हीरा देवी यादव, पता करो इन 3 यादवों के बीच में कनेक्शन क्या है। सतीश और मनीष हमारे बेटे हैं। सतीश हमारा बड़ा बेटा और मनीष छोटा बेटा। ये दोनों आपको हर महीने पैसे भेजते हैं? हाँ, हम माँ हैं उनकी। आपके ये दोनों बेटे आजकल है कहाँ? सतीश तो सालों पहले विदेश चला गया है और मनीष तो कटनी में कहीं नौकरी कर रहा है। इसे जानती हैं? नहीं सब। इस मनीष का अनमोल बनके माधुरी की जिंदगी में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मनीष के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ और माधुरी के पेरेंट्स को बुलवाओ, शायद वो इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। हाँ, हम जानते हैं हीरा देवी को, वो हमारे ही गांव की थी। कुछ 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। क्यों? हीरा देवी के पति ने जबरन कुछ गरीब गांव वालों की जमीनें हड़प ली थी। गुस्साए गांव वालों ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर गांव वालों ने हीरा देवी और उसके बच्चों को भी गांव से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरे पिता पंच प्रमुख हुआ करते थे, पिछले साल उनका भी देहांत हो गया। फिर हमने वहां की जमीन जायदाद बेच के ये घर ले लिया सर। और उसी के बाद अनमोल माधुरी की जिंदगी में आया? हाँ, कुछ महीने बाद ही। सर, मनीष का भाई सतीश इंडिया में ही है। मैंने पासपोर्ट ऑफिस में पता किया, सतीश उसी वक्त इंडिया आ गया था जिस दौरान मनीष और अनमोल का माधुरी से चक्कर चल रहा था। मतलब वो भी अपने भाई के साथ मिला हुआ है। हीरा देवी के घर पर चौकसी बढ़ा दो, हो सकता है ये दोनों बेटे अपनी माँ से मिलते हो। हेलो माँ, हमें बचा लो माँ, माँ हमें बचा लो। माधुरी, अरे कहाँ हुआ बिटिया, कहाँ है तू? सर, माधुरी ने इसी लोकेशन से फोन किया था। हमें माधुरी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा विवेक। ऐसी कौन सी जगह छिपे थे कि ना किसी ने माधुरी को देखा और ना ही इस अनमोल उर्फ मनीष को? हम जानते हैं हीरा देवी को, वो हमारे ही गांव की थी। 15-18 साल पहले गांव वालों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया था। हेलो शांताराम, जल्दी से बताओ, गांव से निकाले जाने के बाद हीरा देवी और उसके बच्चे अमरपुर के पास किसी जंगल में रहे थे? साहब, वो लोग खड़िया जंगल में रहते थे। शायद यही है, आसपास देखो।
माधुरी को किडनैप करके यहीं रखा गया था। वो नंबर पता करो जिससे माधुरी ने फोन किया था, तुरंत सर्वेंस पर डाल दो। सर, वो फोन मनीष के नाम पर रजिस्टर्ड है जहां वो सुधा के साथ रहता था, पर कल से वो फोन बंद है सर। मुझे नहीं लगता वो फोन ऑन करेगा। सर, अभी राजू खबरी का फोन आया था, उसने मनीष को एक अंडे के स्टॉल पे देखा है, यहीं पास में है। बोल कहाँ है माधुरी, बोल। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखता हूं कब तक नहीं बोलता। मार डाला हमने माधुरी को। क्यों मारा बोल? किसका खानदान, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई का दोषी। उसके दादा ने हमारे पिता की जान ली थी। उसके दादा ने नहीं, गांव वालों ने तुम्हारे पिता की जान ली थी, क्योंकि वो गरीबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अरे कब्जा तो माधुरी के दादा को हमारी जमीन पर करना था, इसीलिए उसने हमारे पिता को फंसाया और उनको मौत का फरमान सुना दिया। इस दगाबाज को तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। हमारे पिता तड़प तड़प कर मर गए और उस सर फिरे सरपंच ने हमारी माँ और हमें गांव से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। हम अपने पिता का क्रियाकर्म तक नहीं कर पाए, हम चैन से जी नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। जब उस सर फिरे सरपंच ने हमारी कब्जा की हुई जमीन की बिक्री की, तब हमें उसकी नस्ल का पता चला। हमें देखा कि उसका पूरा परिवार माधुरी की कमाई पे जी रहा है। बस तभी हमने माधुरी को उससे छीनने की ठान ली। पहले हमने माधुरी को प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी करने के लिए उसके भाई को पैसों का झांसा दिया और शादी करके उसे हम वहीं ले गए जहां हम अपने गांव से बेघर होके गए थे। अनमोल, ये कहाँ आ गए हम? हम नहीं मानते किसी कानून वानून को। तब कहाँ था आपका कानून जब हमारे पिता को पीट पीट कर मार दिया गया था? तब कहाँ थे आप जब उस सरफिरे सरपंच ने हमारे पिता को मौत का फरमान सुनाया? अगर तूने माधुरी को मार दिया था तो जंगल में हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? तेरे भाई ने उसे किडनैप करके रखा है ना? बोल कहाँ है माधुरी? माधुरी को हमने मार दिया, उसकी लाश कौन जानवर खा गया हमें नहीं पता, और हमारे भाई साहब तो कल ही बाहर निकल चुके हैं। आपको पकड़ना है तो जाके पकड़ लीजिए वहाँ। माधुरी जिंदा है और उसका भाई भी इंडिया में है, ये हमसे झूठ बोल रहा है। हेलो मनीष, माधुरी तुम ठीक हो? चल। माधुरी, माधुरी बिटिया कैसी? बिटिया अपनी माँ को माफ कर देना, गलती हुई उससे। नहीं माँ, हम ही गलत थे, आपने सही कहा था। हम जैसी बदसूरत लड़की से बिना मतलब का कोई शादी नहीं कर सकता।
मैडम, महेश हर शनिवार इतवार गोवर्धन जाता रहता है, हो सकता है इस बार भी वो गोवर्धन में ही हो। एक काम करो, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। जब से वो छाता से निकला है उसका फोन स्विच ऑफ है। अपनी एक सर्च टीम गोवर्धन भेज दो, गोवर्धन में उसके सारे ठिकाने पता करो। मैडम, हरिया के घर पे एक सपेरा आया था, कह रहा था कि उस नागिन को फिर से औरत बना देगा। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। बापू, क्या वो सपेरा सच में हमारी दीदी को पहले जैसे बना देगा? अरे नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। हरिया भाई, अब भी नाराज हो हमसे? कल को चमत्कार हो भी गया, तो क्या अपनी बिटिया को अपने घर पर ही रखोगे? अरे इधर आओ, ये देखो क्या है। हटे यहां से, चलो हटो, हटो सामने से, चलो हटो। मैडम, ये तो वही सपेरा जिसने बोला था कि नागिन को औरत बना देगा, इसे तो कुछ सांप ने काट लिया है। मैडम, इसकी पोटली में भूरी की तस्वीर मिली है। इस सपेरे का भूरी को नागिन बनाने की साजिश से जरूर कुछ लेना देना था। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। जी मैडम। अच्छा, ये महेश भी तो उसी दौरान छाता गांव से निकला था ना, जब ये सपेरा हरिया के घर आया था? जी मैडम। महेश का कुछ पता चला? मैडम, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। उन्हें बोलो तेजी बढ़ाए। मैडम, उस सपेरे का घर कोसी कालन में है, और हैरानी की बात यह है कि उसके एक छोटे से झोपड़े में टीवी, फ्रिज सब कुछ है। मैडम, उसकी बीवी ने महेश की फोटो आइडेंटिफाई की है, और महेश एक दो बार उस सपेरे से मिलने वहां गया था। तो इसका मतलब सपेरे को भूरी के नागिन बनने की साजिश में पैसे दिए गए होंगे, और उसी ने नागिन की सप्लाई भी की होगी। पर मैडम, जब इसी सपेरे ने महेश को नागिन सप्लाई की, तो उसने ये क्यों कहा कि वापस वो इस नागिन को औरत बना देगा? क्या भूरी जिंदा है? और इस केस में हमारी इन्वॉल्वमेंट देख के महेश भूरी को वापस औरत तो नहीं बनवा रहा था? हो सकता है भूरी पर दबाव डाल के उसे भी इस नौटंकी में घसीटा जा रहा हो। पर उस सपेरे की मौत का क्या राज है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यादव, ये सारे राज उतने ही रहस्यपूर्ण है जितनी की ये पूरी साजिश, और इन सारे रहस्यों से पर्दा तब फाश होगा जब हमारे हाथों वो आदमी लगेगा जिसने इस पूरे रहस्य को रचा। फिलहाल मैडम, उस महेश का गोवर्धन में कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया। महेश हर हफ्ते गोवर्धन जाता था, इसका मतलब उसका वहां पर कोई पक्का ठिकाना होगा। एक काम करो, पूरा कस्बा छान मारो, ओमी का मोबाइल, लैंडलाइन नंबर सारा सर्वेलेंस पे डाल दो। हमें किसी भी हालत में महेश को पकड़ना होगा। जी मैडम। सर, सपेरे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन से ये साफ है कि भूरी के नागिन बनने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस अंधविश्वास के नाम पर चल रही नौटंकी को जल्द से जल्द बंद करवाओ, उस नागिन को तुरंत जब्त करो, और ये जानने की कोशिश करो कि कहीं उस सपेरे की मौत उस नागिन के काटने की वजह से ही तो नहीं हुई। सर, नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। कहाँ से दरोगा मैडम? ये नागिन अब यहाँ नहीं रहेगी। बस, हमारे पास ऑर्डर है इस नागिन को यहाँ से लेके जाने का।
किसी ने भी कोई दंगा फसाद करने की कोशिश की तो उसको भी इस नागिन के साथ लेकर चले जाएंगे। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को लेके मत जाइए। नागिन को वापस भूरी बनाने की घोषणा करने वाले सपेरे की रहस्यपूर्ण मौत से इस साजिश का पैमाना काफी बड़ा नजर आ रहा था। सपेरे और महेश की सांठगांठ से यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस इच्छाधारी नागिन की साजिश में भूरी के पति महेश और भूरी के ससुराल वालों का ही हाथ था। लेकिन भूरी के पति महेश के यूं अचानक गायब हो जाने से उसकी गिरफ्तारी का सम्मन जारी हो चुका था। देरी थी तो बस उसके पकड़े जाने की, पर महेश की तलाश में कुछ नए राज खुलने अभी बाकी थे। इस आदमी को कहीं देखा है? ये तो हमारे पास में रहता है। ये और इसकी बीवी हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं। मैडम, महेश इसी घर पर रहता था किराए पे, अपनी बीवी के साथ। बीवी मतलब पूरी? जी नहीं, किसी और औरत के साथ रहता था। जी बताइए मैडम को, आपने जो मुझे बताया। हाँ मैडम, 3 महीने से दोनों यहीं रहते थे। कल रात को ही अचानक मकान खाली करके चले गए। अच्छा, उस औरत का नाम मालूम है आपको? सुनिधि है नाम उसका। अच्छा, और कुछ मालूम है आपको सुनिधि के बारे में, जैसे कि कहाँ की थी, उसके माँ बाप वगैरह वगैरह? नहीं मैडम, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इस सुनिधि की स्केच तैयार करवाओ और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। क्या वो वाकई में महेश की बीवी थी या उन दोनों के बीच में कोई और रिश्ता था? जी मैडम। मैडम का यहाँ से तो नहीं कि महेश ने सुनिधि के चक्कर में भूरी को मार के उसे नागिन बनाने की साजिश रची हो? हो सकता है, लेकिन इसमें ओमी की क्या भागीदारी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भूरी के नागिन बनने का फायदा ओमी ने भी खूब उठाया है। ओके मैडम, ओमी का नाती विनय भी 2 दिन से गायब है। मैडम जी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सुनिधि कौन है। और महेश तो हर हफ्ते गिरिराज जी के दर्शन की बोल के जाता था। लेकिन करता था सुनिधि के दर्शन। अच्छा ये बताओ कि विनय को कहाँ भगाए हो? हम किसी को क्यों भगाएंगे भला, वो तो खुद से गया है काशी। महेश को गोवर्धन की भक्ति, विनय को काशी की, और तुझे नागिन मैया की। तुम तीनों भक्त मिलके भूरी के साथ क्या पाखंड किए, जल्द से जल्द मुझे बता दो, वरना। कोई पाखंड नहीं किया मैडम जी, एक ही बात बार बार बोल के हम तो पकड़ा गए हैं। तेरी ये जो नौटंकी है ना, उसका पर्दा बहुत जल्दी गिरा देंगे, समझा? उसके बाद हमारी मार खा खा के तू पगलाएगा, याद रखना। मैडम, उस सपेरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी मौत सांप के काटने से ही हुई है। वही नागिन जो हमने हरिया के घर से जब्त की? नहीं मैडम, और एक बात, वो नागिन नहीं, नाग है। सपेरों का पालतू नाग, जिसके जहर के दांत भी टूटे हुए हैं। यानी कि सपेरे ने नाग को नागिन बताकर महेश को थमा दिया और उसी को नागिन मैया मानकर गांव वाले जय जयकार करने लगे। यानी कि साजिश रचने वाले और उसको सच मानकर झूमने वाले दोनों ने हद ही कर दी। हंसता का तो जैसे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैडम हरिया आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहा है कि उसकी नागिन बिटिया उसको वापस दे दो। दरोगा मैडम, दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को छोड़ दीजिए। क्यों चाहिए नागिन तुझे, क्यों चाहिए? उससे चंदा ना बंद हो गया इसलिए? ऐसी बात नहीं है दरोगा मैडम, हम अपनी बिटिया को अपने पास रखना चाहते हैं। अंधविश्वास की हद कर दी तुम लोगों ने। देख निकल जाए यहाँ से, वरना सबका गुस्सा तुझे अकेले पर उतारेंगे। दरोगा मैडम, हम यहाँ से चले जाएंगे, बस खाली आप इतना बता दीजिए कि आप अपनी बिटिया कब छोड़ेंगे। अरे ओ मूर्ख आत्मा, भूरी कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी। तुझे पता है भूरी के पति की एक और बीवी है? तेरा दामाद तेरी भूरी के सौत के साथ भाग गया है। भूरी के नाम पे जिस नागिन को तुम लोग पूज रहे हो ना, वो नागिन नहीं है, नाग है, नाग। अब सब लोग नाग को पूजोगे? दामाद, दामाद जी ऐसा किए? भूरी, हमारी भूरी कहाँ है दरोगा मैडम? तेरी भूरी अब जिंदा भी है या नहीं,
ये भी हमें नहीं पता। बहुत बड़ी साजिश हुई है भूरी के साथ, और इससे भी बड़ी साजिश हुई है भोले भाले गांव वालों के साथ, जो अंधविश्वास के नाम पर छले गए। हमारे बापू बोले कि वो सिद्ध सपेरा की तरह एक और सिद्ध सपेरा को ढूंढेंगे, जिससे हमारी भूरी दीदी वापस औरत बन सकती है। बापू, क्या हुआ बापू? आपने दूसरे से सपेरे को ढूंढा का? बोलो ना बापू, हमारी भूरी दीदी वापस कब औरत बनेगी? हमारी भूरी बिटिया नागिन नहीं है, अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हरिया को गहरा धक्का लगा था, और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस झूठ को वो सम्मान समझ रहा था उसी झूठ ने उसे दया का पात्र बना दिया था। भूरी कहां होगी, किस हाल में होगी, इस बात की चिंता अब एक बाप को सताने लगी थी। लेकिन काले को सफेद समझने की गलती करने वालों का हश्र हमेशा हरिया जैसा ही होता है। पुलिस हरिया के जरिए गांव वालों का अंधविश्वास तोड़ने में तो सफल हो गई थी, लेकिन इस अंधविश्वास को खड़ा करने वाले अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। मैडम, इस आदमी ने आज सुबह ओमी को एक जवान लड़की के साथ देखा, बताओ मैडम को। मैडम, हमारी चाय की दुकान बस अड्डे के पास है, हमने देखा कि ओमी जी अपनी कार में एक औरत को लेकर आए और उसे वहां छोड़ के चले गए। वो लड़की इतना घूंघट निकाल रखी थी, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, पर हमने ओमी जी को देखा। ठीक है, तुम जाओ। मैडम, कौन हो सकती है वो लड़की? कहीं वो भूरी तो नहीं? कहीं उस सपेरे से ओमी नहीं तो नहीं बुलवाया था कि वो नागिन को औरत बना देगा? नहीं, अगर ये बात सच होती तो वो सपेरा ये चमत्कार जरूर दिखाता, लेकिन हमें तो उसकी लाश मिली थी वहां। ये चक्कर ही कुछ और है। शांत भाइयों, भाइयों, हमें हिंसा नहीं करनी है, बस उस पाखंडी ओमी को पकड़ करके दरोगा जी के पास लेकर जाना है। उसने हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमारी भूरी के दुश्मन, दरवाजा खोल नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लगा के रखा ये सब? दरोगा मैडम, इसने हमारी बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे लेकर आओ थाने। चल भाई। मारी मत, मारी मत। हम मानते हैं कि हम भूरी के नागिन बनने को पंच बनने की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किए, पर मां के सब हम भूरी के साथ कुछ नहीं किए। आज सुबह तकरीबन 4 बजे बस अड्डे पर किस लड़की को छोड़ने गया था तू? कि पिछोड़ा तोड़े। महेश की पहली बीवी थी। सुनी थी, मतलब अपने बेटे की कुकर्मों की सारी खबर थी तुझे? हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसे तो हम कल रात पहली बार मिले थे। वो क्यों आई थी तेरे पास? वो हमसे पैसे ऐंठने आई थी। महेश कहाँ है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? हम उसकी पत्नी है। महेश, महेश, महेश को वहां ना पकड़, वो हमें धमकाने लगी। आपके बेटे ने हमें झूठे सपने दिखाए कि हमें इस घर की बहू बनाएगा।
देखो बेटी, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब चाहे आप नाक रगड़ो या आपका बेटा, हम किसी की नहीं सुनने वाले। चैन से नहीं जीने देंगे आप लोगों को। केस करेंगे पुलिस में आप सबके खिलाफ। फिर उसने कहा कि अगर हम उसे 2 लाख रुपया दे दे तो वो हमारा और महेश का पीछा छोड़ देगी। तो तूने क्या किया? मरता क्या ना करता। आप लोग पहले ही तलवार लेके खड़े थे तो, और सर पर मुसीबत नहीं लेना चाहते थे हम। मतलब तूने उसे 2 लाख रुपए दे दिए? जी, हम बहुत डर गए थे। आपको कोई बंदा उसे हमारे घर से निकलते वक्त ना देख ले, इसलिए हमने उसे प्रार्थना की कि 4 बजे तक रुक जाए सुबह। फिर तड़के तड़के छिप छिपाते हुए उसे बस अड्डे छोड़ आए हम। कुछ पता ठिकाना पूछा था, जैसे कहाँ से आई थी, कहाँ गई? मैडम जी, हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं थी तो उसे क्या पूछते। अगर ओमी सच कह रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि महेश ने सुनीति को खुद भेजा हो अपने बाप से पैसे मांगने के लिए। हमें लग रहा है कि भूरी को नागिन बनाने की साजिश महेश की थी। हरिया और गांव वालों की तरह ओमी भी इस अंधविश्वास में चला गया। बस गलती उससे ये हो गई कि वो महेश की साजिश का फायदा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करने लगा। अच्छा, हरिया ने हमसे ये कहा था कि महेश उस नागिन को जंगल में छोड़ के आना चाहता था और ओमी इस बात के खिलाफ था। हाँ मैडम। तुम एक काम करो, तुम बस स्टैंड जाओ और पता करो कि सुनिधि ने कहाँ की बस ली थी। सुनिधि की तलाशी में महेश तक पहुंचा सकती है। जी मैडम। साहब, ये हमारी बस में बैठी थी, इसे हमने कानपुर बाईपास बस स्टॉप पे उतारा था। हो सकता है महेश और सुनिधि इन्हीं किसी लॉज में छिपे हुए हैं। लग जाओ ड्यूटी पर। इन दोनों को देखा है? जी हाँ, ये हमारे गेस्ट हाउस में ही रुके हुए हैं। इनके रूम की मास्टर की है? जी शो। दरवाजा खोलो। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते? महेश का है। महेश? हमें नहीं पता। जाकर सर्च करो। नहीं है वो। महेश और हमारा 2 साल से अफेयर था। अभी 1 साल पहले हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की, मगर उसने कभी भी हमें अपने घर वालों से नहीं मिलाया, बस हमें झूठा दिलासा देता रहा। अब हम चलते, अगले हफ्ते मिलेंगे। एक बात बताओ, हमें क्या चित्रहार समझ रखे हो? हफ्ते के हफ्ते देखने आते हो और गुनगुना के निकल लेते हो। देखो, हम तुमसे कह देते हैं, या तो हमेशा के लिए हमारे साथ यहाँ रहने आ जाओ, या फिर हमें अपने साथ अपने गांव ले चलो। अरे हम तुमको कितनी बार समझा चुके हैं, हमारे बाबूजी के सर पे पंच बनने का भूत सवार है, वो कभी दूसरे जात की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो शादी क्यों की हमसे? शादी किया क्यों? देखो, शादी किया क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें थोड़ा वक्त दो, हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। वो हमें झूठी उम्मीद देता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे, और अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। कैसे पता चला? हमें किसी का फ़ोन आया था, पता नहीं वो कौन था, बस उसने इतना कहा कि महेश हमें धोखा दे रहा है, और उसने हमें भूरी और महेश के शादी की फ़ोटो भी भेजे। आओ तुम, अभी के अभी घर पर आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ हो वरना मैं वहाँ आ रही हूँ। क्या है ये? क्यों जिंदगी बर्बाद की हमारी? हमें माफ कर दो, हम शादी नहीं करना चाहते थे, मगर हमारे बाबूजी ने जबरदस्ती हमको घोड़ी चढ़ा दी। तो तुम हमें फांसी चढ़ा दो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। अगर हमसे इतना ही प्यार करते हो तो अभी के अभी हमें अपने साथ अपने घर ले चलो, वरना हम खुद वहां आएंगे और सबको सब कुछ बता देंगे, और फिर मिट्टी का तेल छिड़क के उस सौतन को दबोच के खुद को आग लगा देंगे। नहीं, तुम ऐसा अनर्थ ना करना, हमको थोड़ा सा वक्त दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने हमसे वादा किया कि वो भूरी को तलाक दे देगा और हमें अपने साथ अपने गांव ले जाएगा, लेकिन उसने तो हमसे वो घर भी छीन लिया जिसमें हम किराए पे रहते थे।
काम करो, जल्दी से सारा सामान बटोरो, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। रातों रात हमने वो घर खाली कर दिया और वो हमें यहाँ इस गेस्ट हाउस में ले आया। अब हम आते हैं जरा। उसके बाद वो यहाँ से गया और कभी लौट के नहीं आया। हम उसका फोन भी ट्राई किए लेकिन बंद था। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दो दिन तक हम उसका इंतजार किए पर जब वो नहीं आया तो हम खुद उसके गांव पहुंच गए। तुमने उसके माँ बाप से 2 लाख रुपए मांगे? जी हाँ मांगे, पर हम क्या करते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम अनाथ है, अगर हमारा कोई अपना होता तो हम उस महेश के झांसे में कभी नहीं फंसते। महेश का फोन तो पिछले 5 दिनों से बंद है और तुमने अभी अभी कहा कि जब वो तुम्हें इस गेस्ट हाउस में लाया था तो उसे किसी का फोन आया था। जी वो उसके पास 2 फोन है। नंबर निकालो। जी मैडम, सुनीति ने जो नंबर दिया था वो महेश के गोवर्धन वाले एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जो पिछले 4 दिनों से बंद है। यानी कि सुनीति सच बोल रही थी। और सेम एड्रेस पे महेश के नाम से एक दूसरा नंबर भी रजिस्टर्ड है जो उसने 1 महीने पहले लिया था। और वो नंबर ऑन है? नहीं मैडम, लेकिन हमने उस नंबर की पिछले 15 दिनों की लोकेशन चेक की है। पहले उसकी लोकेशन छाता गाँव और कोसी कालन थी। कोसी कालन जहाँ वो सपेरा रहता था? जी मैडम, और पिछले हफ्ते उसकी लोकेशन बनारस थी और उसके बाद कानपुर जहाँ महेश का दूसरा नंबर भी एक्टिव था। इसका मतलब उस दिन महेश को उसी नंबर से फोन आया था? यस मैडम। इसका मतलब वो महेश का वही मौरा है जिसे उसने भूरी को नागिन बनाने की साजिश में शामिल किया होगा और वो विनय के अलावा कोई और नहीं हो सकता क्योंकि महेश के साथ साथ विनय भी गायब है। एक काम करो, दोनों नंबर्स की आखिरी लोकेशन पता करो। कानपुर में वो दोनों जहां पर आखिरी बार मिले थे वहां पर जाकर छानबीन करो। पहले इसकी बॉडी कानपुर हाईवे पे मिली, चाकू घोप को हत्या की गई है। इसकी जेब से कोई आईडी नहीं मिला इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कौन है। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है यादव। भूरी को नागिन बनाने के पीछे 3 लोग शामिल थे, सपेरा, विनय और महेश। महेश इस प्लान का मास्टरमाइंड था, सपेरे के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई, बाकी बचा विनय। अब सवाल ये उठता है कि अगर विनय ने इन दोनों की हत्या की तो क्यों की और किस तरह से की? महेश की हत्या ने इस केस से जुड़े सवालों को और ज्यादा जटिल बना दिया था क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे महेश खुद इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा है। वहीं विनय को पुलिस महेश का मोहरा समझती थी। अगर उसी ने महेश की हत्या की थी तो सवाल यह उठ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अपने वजीर के इशारों पर नाचने वाले प्यादे ने ही अपने वजीर का सर कलम कर दिया। और भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की साजिश में विनय की क्या भूमिका थी ये जानने के लिए पुलिस अब विनय की तलाश में जुट गई। मैडम, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि कानपुर की एक सेकंड हैंड सेल परचेज गैरेज में महेश की गाड़ी सेल के लिए रखी गई है। लेट्स मूव। नहीं सर, ये नहीं था। और ये? हाँ सर, यही था। कहाँ से आया था, अपने बारे में इसने कुछ बताया? मैडम जी, वो मुझे कुछ दिन पहले बार में मिला था। भाई साहब बैठ सकता हूँ 2 मिनट? हाँ हाँ बैठो। थैंक यू। बड़ा ही दिलचस्प लगा मुझे, एक ही मुलाकात में दोस्ती हो गई। जब मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया तो बोला कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। मैंने कहा यहाँ आ जा, 3 दिन पहले वो यहाँ आया। मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी तो मैंने कहा 2 लाख तक दिलवा सकता हूँ। उसने मुझसे 1 लाख रुपए एडवांस मांगे।
जब गाड़ी के पेपर्स मांगे तो बोला ग्राहक लगेगा तो दिखा देंगे। लेकिन आपने उसको कुछ पैसे एडवांस में दिए थे क्या? हाँ, 50,000। वो और पैसे लेना चाहता था, कह रहा था कोई मजबूरी है। मैंने उसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया और बोला कि जब तुम सारे पेपर्स दे दोगे तो मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी। उसने 2 दिन की मोहलत नकली पेपर्स बनवाने के लिए लिए होंगे। मैडम जी, शायद वो कल सुबह यहाँ पेपर्स लेके आएगा। भूरी मामी को नागिन बनाने में क्या भूमिका निभाए हो? साफ साफ बताओगे कि और हड्डियां तुड़वाएं? मैडम, हम सब बताते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम सब बताते हैं आपको। चल बोल। मैडम, ये इच्छाधारी नागिन का साजिश, महेश मामा खुद अपनी इच्छा से रचे थे। अगर हम उनको उस दिन सुनिधि मामी से बात करते हुए नहीं सुनते तो वो हमको कभी भी इसमें इस्तेमाल ना करते। सुनिधि, कहां जान खा रही तुम हमारा? अरे बोले ना, भूरी को माने नहीं रखती हमारी लाइफ में। देखो, तुमको तुम्हारा पूरा हक मिलेगा, थोड़ा तसल्ली रखो। मामा हमसे कुछ नहीं छुपाए और अपनी मजबूरी बताने लगे। यार, तुम हो तो हमारे भांजे, पर हम तुमको दोस्त जैसा मानते हैं। मतलब दो पार्टों के बीच में हम पिसने वाले हैं। इससे पहले कि हमारी चटनी बने, हम कुछ ऐसा उपाय चाहते हैं कि नागिन भी मसल जाए और लाठी भी ना टूटे। किस नागिन को मसलना चाहते हैं? इधर वाली को कि उधर वाली को? आफत तो दोनों ही है। सुनिधि हमारे दिल की आफत है और भूरी हमारी जान की। देखिए, अगर वो नागिन होती तो ठीक था, लेकिन वो औरत। देखिए, जानवर को मारने से पाप चढ़ता है, औरत को मारने से फांसी। तो आप काहे इस भरी जवानी में फांसी चढ़ना चाहते हैं मामा? हैं, भूरी को हम नागिन बना दे तो? इच्छाधारी जो हमारी बीवी बनने को औरत बनी और मुक्ति पाने को नागिन। महेश मामा पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे और हमें अपना मोहरा बना के इस्तेमाल करना चाहते थे। मैडम, हम चाह के भी उनका विरोध नहीं कर पाए क्योंकि हम अनाथ की बहुत सेवा किए हैं। और इस खुराफात के लिए नागिन कहाँ से लाए? सपेरे से। उसी ने भूरी मामी का अपहरण किया था। देख भाई, कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं चाहिए, मतलब इच्छाधारी होनी चाहिए। आप चिंता ना करो, कल रात को नागिन लेके तू घर के बाहर आ जाना और नागिन मीने को दे देना। मैं भूरी को किसी बहाने घर के बाहर भेजूंगा और तू उसे बेहोश करके ले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चले। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। हेलो। हाँ मामा, नागिन मिल गई है, भूरी मामी को भेज दो। मामा, इस काम के लिए अपने को दोस्त का टेम्पू लाए थे जिसमें सपेरा भूरी मामी को ले गया और हम नागिन लेके मामा के पास चले गए। और उस सपेरे ने भूरी के साथ क्या किया? मामा ने उसे कहा था कि भूरी मामी को मार के गाड़ देने को। और महेश को किस? तो महेश को किसने अरे आप बाद में फोन करेंगे?
लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया है। जी। दरअसल हम आपको इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा दिखाना चाह रहे थे। असली तमाशा? जी यादव, ये है वो नागिन जो पहले ओमी के पंच की गद्दी बनने वाली थी और उसके बाद हरिया के घर की चांदी। पर ये तो नाग है ना मैडम जी। अरे पहले सुन तो लीजिए पूरी बात, हम इसे औरत बना सकते हैं। हाँ। और इससे पहले कि आप सब लोग मुझे भगवान मानकर अंधविश्वासी होकर पूजना शुरू कर दें, जरा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर मैंने वाकई में नाग को औरत बना दिया होता ना, तो वो नाग अभी तक उस बक्से में नहीं होता। हाँ, वो नाग ही है और ये औरत के रूप में नागिन। इन्हीं की इच्छा से तो पूरा इच्छाधारी नागिन का तमाशा हुआ था। अरे आप बाद में फोन करेंगे। मैडम जी, मैं अर्जुन गिरी बोल रहा हूँ, भगवती कार डीलर से। यहाँ एक लड़की आई है, विनय के बारे में पूछ रही है। गुड, आप उसको बोलिए विनय थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच रहा है, उसको वहाँ से कहीं मत जाने दीजिएगा। ठीक है मैडम जी। अभी इच्छाधारी क्यों बनी, किसके लिए बनी, उनसे नहीं मिलना चाहेंगे आप लोग? अरे इतना गुस्सा ही नहीं आप लोग, प्रेमी है ये दोनों हा? और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है नहीं। शादी के बाद महेश हमसे बहुत दूर दूर रहता था, जिस वजह से हम और विनय नजदीक आ गए। ये छुप छुप के मिलना बंद करो, कहीं भाग चलते हैं। अरे हम खुद नहीं भागेंगे, महेश मामा खुद ही हम लोग को भगा देंगे, वो भी खूब सारा पैसा थमा के। कैसे? तुमको क्या लगता है? गोवर्धन भक्ति करने जाते हैं, रासलीला रचाने जाते हैं वहाँ पर। मतलब तुमसे दूर भागते हैं ना, कहे कि उनकी बीवी है वो, हम सब पता किए। अब देखती जाओ हम क्या कांड करते हैं। हम सच बोल रहे हैं, आपके पतिदेव 6 महीने पहले वो लड़की से शादी की है। अगर विश्वास नहीं होता है तो दरवाजा खोल के देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। देखो तीर एकदम निशाने पे लगा, सुनिधि ने मामा का जीना हराम कर दिया और हमने उनके दिमाग में तुम्हें नागिन बना के गायब करने की बात भर दी। विनय दो पाटों के बीच में पिसने वाले हैं, इससे पहले कि हमने चटनी बने कुछ ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह, क्या आइडिया सुझाए मामा। अगर कहावत ये हो जाए कि नागिन भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो कहा कहना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हम क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना आप ये गाँव वालों को विश्वास दिला दें कि भूरी ही इच्छा दारी नागिन, तो कैसा रहे? तो ये इच्छाधारी नागिन का तमाशा महेश का नहीं तेरा आइडिया था। हाँ मैडम, लेकिन महेश मामा के दिमाग में ये बात भरने के लिए भूरी ने भी खूब मेहनत की, जो साथ साथ गांव वालों को विश्वास की भी नींव रख रहा था। एकदम योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था, लेकिन हमारे ओमी नाना ने उस नागिन को नागिन मियां बनाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। नहीं तो महेश मामा चाहते थे कि
गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद उस नागिन को जंगल छोड़ा है। लेकिन उस सपेरे ने ऐसा क्यों कहा था कि वो नागिन को वापस भूरी बना देगा? क्योंकि मैडम उस सपेरे को पता था कि हम महेश मामा की आंखों में धूल झोंक कर भूरी को जिंदा रखें, और इसी बात के लिए हमसे पैसे ऐंठना चाहता था। तुम कहीं आ रहा गांव में आ रहा मामा, तुमको बोले ना भाग जाने को? पहले हमारी मांग पूरी कर दो। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर देखना हम क्या करते हैं। उसके बाद उस सपेरे ने ये घोषणा कर दी कि वो नागिन को औरत बना देगा और फिर हमें मिलने के लिए बुलाया। अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया बाबा, तो शाम को यहाँ पर चमत्कार नहीं तू तेरा मामा और तेरी मामी का चीर हरण करूंगा और सारे गांव को बता दूंगा कि तुम लोग की असलियत क्या है। अच्छा, महेश को तूने मारा था? हाँ, मारना पड़ा, काहे कि हम इस राज को राजी रखना चाहते थे। अब हम आते जरा। हाँ बोल। जो बोलना था वो बोल दिए हैं। हम यहाँ हाईवे पे खड़े हैं, आके हमारा पैसा दे दीजिए, मैं तो सारा पोलपट्टी पुलिस वालों को जाकर बता देंगे। देखो तुम ऐसा कुछ मत करना, हमारे आज के बाद हमसे पैसे मत मांगना तुम। जिंदा रहेंगे तब ना मांगेंगे मामा जी। तो ये था इच्छाधारी नागिन का असली तमाशा, जिन्हें रचने वाले कुकर्मों की रंगरलिया मनाते रहे और आप नाग को नागिन मान के उसे पूछते गए। इन्होंने रिश्तों का मजाक बना के आप लोगों को अंधविश्वासी बनाते रहे और आप लोग बेवकूफ पे बेवकूफ बनते गए। जो मारे गए वो कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, जैसे हर हफ्ते गोवर्धन जाने वाला आपका बेटा महेश, ना वो कोई धार्मिक पुरुष था और ना ही वो सपेरा कोई चमत्कारी। तो अब सोच कर बताइए किसकी जय जयकार करेंगे। इच्छाधारी नागिन प्राचीन कहानियों में एक काल्पनिक पात्र है और उससे जुड़े किस्से कोरे मिथ के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इसी मिथ से जुड़ी मान्यताओं का सहारा लेकर एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया जो रिश्तों को तो कलंकित करता ही है, पर साथ ही साथ ये सवाल भी उठाता है कि आज भी हमारा समाज इस तरह के न जाने कितने अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका विश्वास तर्क विहीन है तो ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।